ओ हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा मेरी वीडियो देख के अच्छे हो ही जाते हैं। नो डाउट, सो पहले हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा ही दूर हो गए थे। नहीं, सो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सिद्धू के घर में सिद्धू वापस आ गया है। आई डोंट नो लोग इसको क्या कहेंगे, पर मेरी नज़र में एक्चुअली बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि वही वापस आया है, क्योंकि ऐसा चमत्कार हम लोगों ने फिल्मों में ही देखा था, राइट। पर मेरा मानना है कि जब एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में लोग किसी चीज़ को पाने के लिए अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो रब उसको कबूल कर लेता है। वैसे भी जैसे वो सडनली चला गया, जितना पेनफुल था, जितना एक्सीडेंटली ये चीज़ें हुई, एक्सेप्ट करना लाइक नामुमकिन था किस्म का। और यार, रब ने सभी लोगों की अरदासें सुन ली, कबूल की और उसे वापस कर दिया है। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, 2-3 दिन मैंने ना इसी में स्पेंड किए हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे अपनी खुशी को जाहिर करूं। लाइक आंसू निकल रहे हैं बहुत सारे मेरे खुशी के, कि फाइनली सुकून मिल गया, खुशी मिल गई। ये जो शांति है, पीस है, हैप्पीनेस है, किसी और तरीके से नहीं मिल सकती थी, सिर्फ इसी से मिल सकती थी अगर वो उन्हीं पेरेंट्स के पास वापस उसी घर में आए। एंड वो कितना प्यारा है, उसके उसकी शक्ल उसके बचपन के पिक्चर्स के साथ बिल्कुल मैच करती है। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, इसमें कैसे कोई डाउट कर सकता है कि ये सिद्धू नहीं है, ये चमत्कार है। इतनी ओल्ड एज वाली लेडी को दोबारा से बेटा मिलना, और मैं कोई और बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके क्या विचार हैं मुझे बताना। अब प्लीज़ अगर अच्छे विचार होंगे तभी बताना, अगर आपके विचार अच्छे नहीं है तो रहने दे, पर क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं कोई फालतू चीज़ नहीं सुनना चाहूँगी। एंड या बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, कैन एक्सप्लेन। मैं रोज़ वीडियोस को स्क्रॉल कर रही हूँ कि उसकी नई पिक्चर्स आ जाए। उसकी नई पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी, और बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम पे जब वो इस दुनिया में आया तभी वो कितना ज़्यादा अलर्ट एंड अवेक है। उसके डैड भी बता रहे थे कि कैसे वो जब उसको दूध पिला रहे थे वो गड़ 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 के पी रहा था, एंड वो फुली लाइक फुली अवेयर, लाइक वो फुली अवेयरनेस में था कि ओके डैडी डोंट वरी आई एम हेयर। एंड यस, आपके क्या विचार हैं? जब वो हम लोगों को छोड़ के गया, एक दिन भी मुझे लग रहा है ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन उसकी याद ना ही हो और अक्खां गिल्लियां ना हुई हो। वैसे भी मैं बहुत इमोशनल हूँ, जैसे उसकी वीडियो देखती हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो ऐसे तड़फते दिल को सुकून मिला है, करोड़ों लोगों के तड़फते दिलों को सुकून मिला है। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों की टिकटॉक पे वीडियोस देखी, वो भी इतना खुश है, अपनी गलियों में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कितना अनकंडीशनल लव करते थे लोग उसको, क्या देता था वो लोगों को, सिर्फ प्यार या उसका म्यूज़िक। मेरी जितनी भी ज़िंदगी निकली है मैंने किसी भी आर्टिस्ट को लोगों को इतना डाई हार्ड प्यार करते हुए नहीं देखा है। ये सिर्फ इसी के पल्ले पड़ा है, और या वेट नहीं कर पा रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी वो बड़ा हो एंड बिल्कुल उसके जैसा दिखेगा वो। इसके ऊपर बहुत तगड़ी मूवी बनने वाली है। ओके, सो ये तो है खुशखबरी जिसने बहुत खुश कर दिया है हम लोगों को। ओके, अगली बात मैं बताना चाहती हूँ बुक के बारे में, ये है ऑटोबायोग्राफी बाय योगी। बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आपने कैसे शुरू किया। गाइस, मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में लाइक ए पे भी नहीं हूँ, ए से भी पहले ही हूँ शायद। पर या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी कुछ इस किस्म का करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको इनर पीस देता है। सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, जो लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं एंड मुझसे पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाली किताब पढ़ें। ये जो किताब है इसमें सब कुछ है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें मेडिटेशन है, इसमें गुरु कैसे ढूंढना है, एंड बहुत सारी चमत्कारी बातें हैं। जो भी बहुत ही पॉपुलर एनलाइटन बींग्स हुए हैं हिंदुस्तान में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें, जीसस के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें, कृष्णा के बारे में इंफॉर्मेशन है,
ये एनी जी किताब में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भर दी हैं, ये एक बिगनर के लिए और एक जो इस जर्नी पे है या आई डोंट नो कौन सी सिचुएशन है आपकी, हर एक बंदे के लिए ये बहुत ही बेस्ट किताब हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये किताब मुझे किसी ने रेकमेंड की थी जब मैंने उन्हें बताया था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है 2018 और 19 में, तो मैंने अगले ही दिन खरीद ली थी एंड तभी पढ़ ली थी मैंने, एंड अब 2024 में मैंने दूसरी बार पढ़नी शुरू की है। एंड जब आप कोई किताब पढ़ते हैं एंड आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं या थोड़ा बहुत मेडिटेट करते हैं तो आप इस किताब को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, पर ये हर एक के लिए अच्छी है। जितना इस किताब के साथ मैं अपने आप को अब जोड़ पा रही हूँ एंड बहुत सारी चीज़ों को यू नो रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार स्टोरीज को सुन के जो मुझे अब फील हो रहा है वैसा मुझे तब नहीं फील हुआ था। तो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यार बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर अब मेरी मेंटल स्टेट डिफरेंट है और मैं इसके साथ कुछ और तरह का कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो मैंने इसको दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया है। आई थिंक ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, सिर्फ क्वार्टर से भी कम रह गई है पढ़ने के लिए। सो मुझे लगा कि मुझे आपको रेकमेंड करना चाहिए कि अगर आप कोई भी किताब देख रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के उन स्पिरिचुअल टीचर्स में से हैं बिगिनर्स जिन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भर के रखी है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे लिखी थी कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांटना चाहते थे, और एक्चुअली उनको पता था कि फ्यूचर कैसा आने वाला है। ये भी उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि कैसे गुरु फ्यूचर प्रोडिक्ट कर देते थे, लाइक बहुत साल के बाद क्या होने वाला है, एक सर्टन पीरियड में सर्टन जगह पे सर्टन लोग मिलेंगे और ऐसी चीज़ें होंगी, वो भी है इसमें। उन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी इतना राइज करेगी और इतनी अच्छी और इतनी अद्भुत चीज़ें आविष्कार होने वाली हैं फ्यूचर में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली स्टोरीज बताई हैं जो आप सुन के बहुत आपको अच्छा लगेगा कि कैसा रिलेशन था और वो एक योगी होने के बावजूद भी कैसे चीज़ों के साथ बहुत अटैच हो जाते थे। वो जानवर हो सकते हैं, उनके शिष्य हो सकते हैं या उनके भाई बहन। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये किताब आप ज़रूर से पढ़नी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा लेवल है, आपको ये किताब कुछ ना कुछ ज़रूर से सिखा के जाएगी। एंड अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, अभी 5-7% है, इसके बाद 70-80 हो जाएगा कि यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ओपन हो जाएगा आपका दिमाग कि हम लोग जो चीज़ें सोचते रहते हैं एक्चुअली चीज़ें उससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। सो मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये कितनी प्यारी किताब है। सो मेरे हस्बैंड को मैंने पढ़ने के लिए बोला था, उन्होंने 1-2 चैप्टर आई थिंक पढ़े हैं एंड मैं अब उनको पुश कर रही हूँ कि दोबारा से पढ़ो तो मैं बहुत अच्छी लगेगी। सो इस किताब की जो इंग्लिश है वो थोड़ी डिफरेंट है आजकल के मुकाबले। सो थोड़ी बोरिंग हो सकती है बिगिनिंग में, पर जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट बन जाएगा। पर ये किताब बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में छपी हुई है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं देखें कि उसमें अवेलेबल है। हिंदी में तो डेफिनेटली है, ये मुझे पता है, बांग्ला में भी होगी एंड बहुत सारी और लैंग्वेजेस में भी। सो यस, इस किताब को ज़रूर से समय दें आप। सो ये आपकी नंबर वन बुक हो सकती है, उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारी किताबों के बारे में जानकारी दूंगी। एंड जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप चीज़ों को वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसे आपका दिमाग ओपन है या दिल आपका खुला हुआ है उन चीज़ों के लिए। सो हर एक को चीज़ों का लेने का तरीका डिफरेंट होता है, एंड ये बुक खोल पढ़ के अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो आप ज़रूर से डिफरेंट फील करेंगे एंड आपका जो सोच का दायरा है वो चेंज होगा एंड थोड़ा ओपन होगा। एंड योगानंदा परमहंसा 1893 में बॉर्न हुए थे। सो अर्ली 1900 में इंडिया कैसा था, इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, उनका महात्मा गांधी को मिलना, उनका रविंद्रनाथ टैगोर को मिलना और उनका बहुत सारे लोगों को मिलना, कैसे चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा था, सब कुछ उन्होंने लिखा है। सो ये किताब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन पर नहीं है, सराउंडिंग सिचुएशंस पर भी है कि कैसे लोग हैं, कैसा लोग बिहेव करते हैं, लोग कितने ट्रस्टिंग हैं, कितना स्पिरिचुअल है, और जिन लोगों को गलती से कुछ मिल गया है, कोई सिद्धि मिल गई है, वो उसको मिसयूज़ कैसे करते हैं।
सो हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। आजकल यूट्यूब पे ये पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ऑकल्ट साइंस के बारे में एंड चमत्कारों के बारे में या साधना के बारे में या यू नो रिलीजन के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस किताब से आंसर हो सकते हैं कि जो कोई भी आजकल के बहुत तगड़े साधक हैं या ये पॉडकास्टर हैं जिनको मुझे बहुत सुनना अच्छा लगता है, उनकी चीज़ें इनके साथ बिल्कुल मैच होती हैं। बाय द वे, अगर मैं कोई रेकमेंड करना चाहूँ जिनको मुझे सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो है ये राजश्री नंदी जी। ये एक तांत्रिक है और इनकी सारी बातों के साथ मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, और जब मैं सुनती हूँ मुझे लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं हर बात सच है। सो कईयों की बोलने में इतनी पावर होती है कि आप बस बिलीव करते चले जाते हैं कि यस यस यस। सो उनकी बातें जैसी भी हैं और इनकी बातें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। सो उन्होंने ये 1900 में किताब लिखी है एंड आपको आंसर मिल जाएगा कि यस ये चीज़ें सच हैं। सो या यही था इस किताब के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर से ख़रीदें। अब मैं जाने वाली हूँ सम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारा डिनर रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। सो यस, कीप ऑन वॉचिंग।
कुछ बोलो, छाती क्यों काट ली है? छाती तान ली तो ही दे प्यार यार, पोक दे तेरे 56 पोक देते हुए आज मैं। थैंक यू वेरी मच। एक दो तीन चार ते नाले रोटी मुक दे, गुड़ खा लियो अच्छी रख ला। भूख खा के दसो तोरियां, इंडिया दी तोरियां दी याद आई? अगर वो इंडिया की तोरी मिस करते ना तो इसको ट्राई करें, इसका फ्लेवर बहुत सिमिलर है। यार मैं इंडिया भी नहीं फैन है तोरियां का। यार जो तो बाहर आ जाओ ना फिर जड़िया चीज़ तो फैन नहीं होंगे, कई बार ओदी क्रेविंग भी होंगी। गर्मिया की दोपहर जी इन बनिया होंगे है। ओके सो मेरा खाना तैयार है, तोरियां दही एंड रोटी। एंड ये तोरियां मुझे इंडिया में पसंद नहीं थी, तोरी तुर रही बट जो भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ पे इसकी गार्डनिंग नहीं की जाती थी, हर एक के घर में होती थी। एंड गर्मियों के दिनों में जब आप स्कूल से आते थक के लाइक बर्निंग हेड के साथ, तो मम्मी ये बनाती थी तो दिल खराब हो जाता, दिल ना खराब हो जाता था कि यार तोरी, पर जब खाते थे फिर मज़ा ही आता था। बहुत लंबे समय से मैं ना इस फ्लेवर को मिस कर रही थी फॉर सम रीज़न। फ़ैन नहीं हूँ मैं, पर आपने जब भी कुछ खाया होता है बचपन में उसके साथ आपका प्यार इमोशन जोड़ ही जाता है, सो इसको खाकर बिल्कुल वही फ्लेवर आया। अगर आप ये तोरियां मिस करते हैं तो ज़रूर से ट्राई करना। वैसे कनाडा में तो आपको ये राम तोरियां भी मिल जाती हैं सीज़न में, पर बेचारियों की हालत थोड़ी ख़राब होती है, दूजी चीज़ें महंगियाँ बड़ी होंगे। और ये तो काफ़ी पॉपुलर है, ये तो बहुत आराम से मिलेगी। इसे हस्बैंड के एरिया में बोलते हैं काली तोरी, नॉट इससे, जो इसके साथ सिमिलर होती है, उसकी फ़ोटो बताऊंगी मैं आपको। और दुआबे में उसको बोलते हैं राम तोरी, राम की तोरी। सो अगर आप मिस करते ना तो ये खाना आपको अच्छी लगेगी। ठीक है ना, जब ने तोरी, अच्छा हस्बैंड ने इसमें मलाई डाल के खाते थे, कह रहे वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती पर जब मम्मी मलाई डालती थी तो मज़ा आता। ओके दोस्तों, सो ये पिद्दी वीडियो के साथ हम डन हैं। ये है मेरा डिनर रूटीन और हमने खाना खा लिया है। डे लाइट सेविंग टाइम चेंज हो चुका है तो अभी थोड़ा अच्छा ब्राइट लाइट है, सो मज़ा आता है मुझे, नहीं तो ना 5:30 बजे अंधेरा हो जाता था। एंड दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ कौन सी है मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ मुझे ज़रूर से बतानी होती है पर आज मैंने याद नहीं आ रहा। सो या दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। एंड ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप इसको राम तोरी बोलते हैं या काली तोरी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय।